आज की कहानी शुरू होती है जीसो से। वो एक एड एजेंसी में काम करती है। वो नेचर की बहुत अच्छी होती है। उसका रिलेशन अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका बॉस जिसका नाम तेओ है, जो कि बहुत गुस्से वाला होता है, ऑफिस में सब उससे डर कर रहते हैं। ऑफिस के पास ही एक कॉफी शॉप है जहाँ जीसो अक्सर कॉफी पीने जाती है। वहाँ एक हैंडसम लड़का पार्ट टाइम जॉब करता है जिसका नाम जी मून है। जीसो अपनी कॉफी का ऑर्डर देती है। जब जी मून कॉफी बनाता है तो जीसो उसे कहती है कि तुम बिना चश्मे में ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुनकर जी मून का ध्यान भटक जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है। जीसो सॉरी कहते हुए कहती है कि मैंने तुमसे बात करके तुम्हारा ध्यान भटका दिया, मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। जी मून कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे लंच करवा सकती हो। उसे लगता है कि जीसो मना कर देगी, पर वह खुशी खुशी लंच के लिए मान जाती है। फिर बाद में दोनों लंच के लिए जाते हैं। जी मून उससे कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरा नाम पता होगा। जीसो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारे नेम टैग से पढ़ा था। फिर वह जी मून से उसका फोन मांगती है और अपना नंबर सेव कर देती है। ये देखकर जी मून बहुत खुश होता है और जीसो अपनी प्लान की सक्सेस पर खुश होती है। दरअसल जीसो की एक आदत है, जो लड़का उसे अच्छा लगता है वो उसे डेट करती है। कुछ टाइम पहले ही उसने जी मून को कॉफी शॉप में देखा था और तब से वह उसे डेट करना चाहती थी। उसने अपने ऑफिस की फीमेल स्टाफ को ये कहते सुना था कि वह लड़कियों से आसानी से बात नहीं करता है। जी मून का क्यूट चेहरा देखकर जीसो ने उसे अपने बॉयफ्रेंड बनाने का फैसला कर लिया था और फिर उसने जी मून को डेट करना शुरू कर दिया और वो बार बार उसके सामने आती थी और ऐसे दिखावा करती थी जैसे हम अचानक मिले हों। लेकिन जीसो के साथ एक और प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपना बॉस भी अच्छा लगता था और हर अच्छे लड़के से फ्लर्ट करने की उसकी आदत थी, तो वो अपने बॉस के नज़रों में आने के लिए खूब मेहनत करती है और धीरे धीरे उसके बॉस का ध्यान भी उसकी तरफ आने लगता है। एक दिन मीटिंग से लौटते समय जीसो अपने बॉस को कॉफी के लिए इन्वाइट करती है। कुछ देर सोचने के बाद तेओ कॉफी के लिए हाँ कह देता है। वो जीसो की चाल से बिल्कुल बेखबर होता है। कुछ दिनों बाद जीसो ऑफिस में देर तक काम कर रही होती है। तेओ उससे देहक के इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और जीसो उसे ड्रिंक के लिए हाँ कह देती है। तेओ के चले जाने के बाद वो अपने प्लान की एक्सेस पर खुश होती है और फिर जीसो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप के लिए बुलाती है और कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोने लगता है। जीसो उसे रोता हुआ छोड़ के वहाँ से चले जाती है। अगले दिन तेओ और जीसो एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करते वक्त तेओ जीसो से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, और जीसो को पता चलता है कि तेओ उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और वो थोड़ा एक्सपेंस डालती है और कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और इसके साथ ही जीसो पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तो वो कहता है जिसकी स्माइल प्रीटी हो। और जब तेओ उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, तो वो बिल्कुल तेओ जैसा ही लड़का बताती है और वो ये भी कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही लड़के को मुझे पसंद करना चाहिए, तुम भी, कहकर तेओ चुप हो जाता है। तो जीसो कहती है क्या मुझे बताओ, नहीं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन जब वो वापस जा रहे होते हैं तो तेओ कहता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्रीति है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के दरमियान तेओ जीसो को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कोलीग देख लेती है और यह बात कोलीग ब्रेक टाइम जीसो को बताती है और जीसो मोबाइल पर जी मून से चैट कर रही होती है और ये सुनकर वो स्माइल करती है। जब ऑफिस का टाइम खत्म होता है जीसो देखती है कि जी मून उसे लेने आया है और वो ये देखकर हैरान होती है कि जी मून अपनी फेयरवेल पार्टी छोड़कर मुझे लेने आया है। और जीसो तुरंत उसके पास जाती है और उसे सूंघती है कि उसने ड्रिंक तो नहीं की। जी मून की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जीसो को इतना करीब देखकर, और ये पहली बार नहीं है कि कोई लड़का जीसो को इतनी अहमियत दे रहा है। जब जीसो स्कूल में थी तो दो लड़के इस बात पर झगड़ रहे होते हैं कि जीसो को मैं डेट करूँगा और जीसो इन दोनों लड़कों को छोड़ के किसी और लड़के को डेट करती है, क्योंकि जीसो को जो लड़का अच्छा लगता है वो बस उसे डेट करती है। स्कूल में हर कोई उसे पसंद करता है, बस एक लड़के को छोड़कर जिसका नाम हयोन होता है, जो उसका आज भी फ्रेंड होता है। जीसो अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही होती है तो वो अपने दोस्त को दोनों लड़कों की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि मुझे दोनों में से किसको चूज करना चाहिए, तो वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जीसो कहती है कि मैं दोनों को पसंद करती हूँ। तो वो जीसो से पूछता है कि लड़की तुमको कैसे पसंद करते हैं, तो जीसो अपने बाल ऊपर कर कहती है कि मेरी ये वाली साइड बहुत अच्छी है, जिस पर वो उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि तुम्हारे बालों से बदबू आ रही है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
अब वह किसे चूज करेगी, अपने बॉस तायो को या गुड लुकिंग जी मून को, क्योंकि वो दोनों उसे प्रपोज करते हैं और वो उन दोनों को हाँ कह देती है। और यह पार्ट यही एंड हो जाता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।